खान दिया मलिक, था राम जी। इस्लामिया लोकल एजेंसी जो नव नियुक्त हुई है, इसका चलो जनरल बात करो, सेक्रेटरी देखो हूँ थोड़ा तुम मैं, सेक्रेटरी हूँ जिसको मुतवल्ली कहते हैं। आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस माध्यम के जरिए हम आप पूरी आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि अब नई कमेटी आ चुकी है और उसने अपना चार्ज संभाल चुकी है। इस चार्ज के संभालने के साथ हमने कुछ संकल्प लिए हैं। पहला संकल्प ये है कि जो मीनार मस्जिद की कई सालों से तकरीबन जो है 32 साल बताते हैं टूटी हुई पड़ी है, हम जनता को बताना चाहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए हम उसको जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश और पैरवी करेंगे। दूसरा हमारा जो प्राथमिकता है वो जामा मस्जिद जिस हालात में है अभी उसको उससे बेहतर करें, क्योंकि जिस जो कंडीशन है आप लोग सब उससे वाकिफ़ हैं, रख रखाव उसका बिल्कुल बेकार हो चुका है। उसमें हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी मदद लेंगे और कमेटी अपने तौर पे भी उसको जितना कर सकती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन के ज़रिए उसमें अपना पूरा योगदान देगी। और इसमें तीसरा अहम मुद्दा जो है वो है इमाम, जितने भी इस्लामी या लोकल एजेंसी के अंदर इमाम होते हैं उनकी तनख्वाह का बड़ा मसला है। उसको हम आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को बताना चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह को हम बढ़ाने जा रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। और उसके बाद जो मसला है कि हमारे वर्ग के अंदर सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी मुस्लिम वर्ग सबसे बैकवर्ड वर्ग हैं, तो हम इस्लामिया लोकल एजेंसी के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम वर्ग का जितना भी उद्धार हो सकता है, ख़ास तौर से हेल्थ के अंदर, जैसे कि कोविड का ज़माना चल रहा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी पे हम हेल्थ में काम करेंगे और उसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर। इस्लामिया लोकल एजेंसी के अंतर्गत जितने मदरसे हैं उनकी बेहतर व्यवस्था को किया जाएगा और उसमें जो दीनी तालीम के साथ साथ उसमें दुनियावी तालीम का भी, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी को भी उसके इमामों जो मदरसों को चला रहे हैं उनकी सहमति के साथ उसको किया जाएगा। क्या कह रहे हैं, मदरसों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है शिक्षा के तौर से कि नहीं? अभी जो हमारे आईएलए के अंदर में आते हैं वहाँ व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन उसको कराई जाएगी, यही संकल्प लिया जा रहा है। मोहम्मद जाहिद, सदर आईएलए कमेटी। प्रेस वार्ता का मोटिव पहले तो प्रेस को शुक्रिया करने का है, वक्फ बोर्ड को शुक्रिया अदा करने का है, डीएम साहब की टीम को शुक्रिया अदा करने का है, पुलिस प्रशासन की टीम को शुक्रिया अदा करने का है और पूरे आगरा के हिंदू मुसलमान समाज ने हमें सपोर्ट करा उसके लिए शुक्रिया अदा है। अच्छा, प्रशासन का इसमें आपको कितना योगदान मिला आपके लिए? प्रशासन का योगदान कानूनी तौर पर पूरा मिला। अच्छा, कुछ लोगों ने जैसे अगर संगठन वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्ति या वो दाव रखा है या अपने ले रखा है अपने कब्जे में, सुना ही पड़ता है, उसके विषय में आप जब अपने संगठन के बारे में क्या कार्य आगे करेंगे? इंशाल्लाह ताला उसे एड़ी चोटी का जोर लगा के वो सारी की सारी संपत्तियों को निकाला जाएगा। जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैं जो है ये सब अल्लाह का माल है। हमारे उस ज़माने के जो बुज़ुर्ग हैं ये सब वक्फ कर गए थे अल्लाह को, ना ये हमारे लिए करके गए न किसी के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए करके गए थे, औकावों के लिए करके गए थे, मस्जिद मदरसे कब्रिस्तान, ये अल्लाह का माल है, इसे मुसलमान खाए या हिंदू खाए ये अल्लाह के माल के ऊपर डकैती है। अभी हाल ही में जो मैं देखता है कुछ कब्रिस्तानों की हालत बड़ी जर्जर हो चुकी है या कुछ मस्जिदों की भी कुछ, तो उसके उसके जीर्णोद्धार के बारे में आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ताला उन सब मस्जिदों के बारे में जो आईएलए के कंट्रोल में आती हैं और जो नहीं भी आती हैं, अगर उनमें भी कोई दिक्कत है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी उसको सही कराया जाए और कब्रिस्तानों को भी सही कराया जाए, चाहे हमको अपने पास से भी पैसे क्यों ना लगाने पड़े। Thank you.
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।